अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर मीटर और सोर्स मीटर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मेरे पास आप दो मीटर देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप मेरे पास दो पावर देख रहे हैं मीटर, ये सोर्स मीटर है, ये पावर मीटर है। अब बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इनके काम क्या है, वो आपको मैं सारे इनके फंक्शन बताता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले जी, ये एक्सफो का पावर मीटर है। इसका मॉडल नंबर है FPM 600। दूसरा जी FLS 600, ये लाइट सोर्स है। अब देखने में आपको ये एकदम दोनों एक जैसे लगेंगे, तो मैं आपको इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये इनके कनेक्टर पॉइंट होता है, दोनों में सेम कनेक्टर है। FC इसमें भी लगेगा, FC इसमें भी लगेगा, ये आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको अच्छी तरह नजर आ रहा। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैं बारी बारी आपको एक एक करके दोनों के फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सोर्स मीटर की तरफ। सोर्स मीटर में ये आपका ऑफ बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए। इसको मैंने ऑन किया, ये ऑफ बता रहा है अभी। क्यों? क्योंकि इसमें से सोर्स हमने अभी ट्रांसफर नहीं किया। ये बैकलाइट ऑप्शन है, यानी इसकी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, अगर आप रात के टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो। दूसरा ये है कि इसमें ये ऑप्शन है सोर्स का। सोर्स का मतलब ये होता है कि जो जिस वेवलेंथ पे आपने इसको ट्रांसफर करना है पावर को, 13:10 पे करना है या 15:50, इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं। आगे ये CW, ये क्लाक वाइज समझ लें कुछ करके, इसकी होती है कि वेवलेंथ आपने किस डिग्री पे या एंगल पे भेजना है या कितनी वैल्यू में भेजना है। तो CW में ये आ गया, इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ये ऑटो में अभी चला गया। ऑटो में ये होता है कि 15:50 या 13:10 पे आपकी सेम एक जैसी वैल्यू चलती है। उसके बाद ये सेटअप का बटन है, इसको करेंगे तो इसके कोई फंक्शन वगैरह आ जाएंगे जो आपने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। इसको अभी मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें जो एडिट वगैरह करना है सेटिंग के रेलिवेंट है ये भी। ये जो रिकॉल का बटन होता है, ये होता है जो पीछे आप रिजल्ट वगैरह लेते हैं इसको, उसको चेक करने के लिए। तो सोर्स मीटर में अभी देखें जी, मैंने 13:10 को इसको ऑफ कर दिया। अभी ये 13:10 पे है, 15:50 पे है। CW में अब मुझे अगर पावर चाहिए ऑटो में, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो को जो है ना, ऑटो को इसको दबा के सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे अभी 13:10 और 15:50 दोनों इकट्ठे चाहिए, तो मैं इसको दबा दूंगा, ये 13:10 पे भी वैल्यू भेजेगा, 15:50 पे भी भेजेगा। तो इसके बाद इसी तरह अगर मुझे इसमें नॉर्मल चाहिए, अभी अगर मुझे इसको 1 kHz पे चाहिए, तो बेसिकली मैं इसको CW इस वाला ऑप्शन दबा के 1 kHz पे आगे ट्रांसफर कर दूंगा पावर। लेकिन नॉर्मली क्या है, इसमें हम CW में या तो चेक करते हैं या ऑटो में चेक करते हैं, जो बेस्ट तरीका है। तो ये बेसिकली टोटल ओवरऑल काम है इसका, एक्सफो के सोर्स मीटर का। इसका साइड में यहाँ पे आपने इसके लगाना है चार्जर का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये स्टैंड है इसका। इसको स्टैंड को आप ऐसे ओपन करके ऐसे रख के चेक कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। कनेक्ट के लिए उन्होंने इधर कवर दिया हुआ है, बाकी इसके मॉडल वगैरह सब कुछ ये मेंशन। तो ये हो गया जी हमारा सोर्स मीटर का काम। अभी हम मूव करते हैं पावर मीटर की तरफ। इसको ऑन कर लिया हमने। अब पावर मीटर में क्या होता है, ये भी बेसिकली लाइट का ही ऑप्शन है। ये जो लैम्डा है ना, ये क्या होता है, यहाँ पे ऊपर हमारी वेवलेंथ शो हो रही है 15:50। पावर मीटर में ज्यादा ऑप्शन होता है, 15:50 पे चाहिए हमें 15:60 से लेके, ये आप देख सकते हैं 850 से शुरू होता है और 1300 1310 से लेके 15:50 तक चलता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब पावर मीटर की वैल्यू लेते हैं, या तो 1310 में चेक करते हैं या 15:50 में चेक करते हैं। तो अभी मैं इसको सिंपली 15:50 में ले जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इस पर -33 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्टर इसका ओपन हुआ है, तो सूरज की जो रोशनी पास हो रही है उस वजह से ये -33 आ रहा है। अभी मैं इसको कवर कर दूंगा तो इसमें जो है वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए -42 हो गया, छोड़ूंगा तो -3, यानी जो भी जितने भी लाइट इसमें से गुजरेगी। रेफरेंस के लिए आगे क्या है, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है DBM, एक होता है NW, और एक DBM और एक DB। अब क्या स्टैंडर्ड है जी पावर, जो FTTH के चेक होता है या मेट्रो में चेक होता है, OSP में, OSP ISP, उसमें होता है DBM। तो सिंपली ये DBM में वैल्यू आ गई।
इसी तरह इसका सेटअप है और ये इसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए, रिकॉल के लिए ऑप्शन वगैरह सब कुछ। तो टोटल ओवरऑल इसका यही फंक्शन है। तो मजीद आपको अगर कोई इसके रेलिवेंट पावर मीटर के रेलिवेंट या सोर्स मीटर के रेलिवेंट कोई और वीडियो चाहिए जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आपको इस तरह की वीडियो मिलती है।